हेलो किड्स, आई एम सुनीता मिश्रा फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी। टुडे वी रीड चैप्टर 4। इट इज़ अ चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश रीडर बुक। चैप्टर नेम इज़ ए विजिट टू ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मींस दादाजी। दादाजी के यहाँ सैर करने के लिए जाना। लिसन टू दिस एनिमल साउंड। कलर द एनिमल्स यू हियर। व्हाट इज दिस? दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ काउ, डक, कैट एंड शिप। व्हाट इज द साउंड ऑफ काउ? Moo is the sound of cow. Moo. Duck sound, quack. Cat sound, meow. And sheep sound, bleat. Color the animal you hear. जिन animals के बारे में आपने सुना है तो उनको आपको color करना है. So let's start chapter. It is a chapter about a girl whose name is Poonam. She is very happy because she visit the grandfather house. See, say, hooray, today is Saturday and I am going to grandpa house. She said. Who said? Poonam said. Poonam ne kaha, hooray, today is Saturday. Aaj Saturday hai aur main apne dadaji ke ghar par ja rahi hoon. I am in the car. Main car mein hoon. Mother is driving. Meri mummy driving kar rahi hai, means car chala rahi hai. Soon we reach grandpa house. Jaldi hi hum dadaji ke घर पे पहुंच गए। आई रन टू ग्रैंडपा, ही हग्स मी। मैं दौड़ के दादाजी के पास गई। ही हग्स मी, उन्होंने मुझे गले लगा दिया। ही सेज हेलो पूनम, उन्होंने कहा हेलो पूनम। ग्रैंडपा हैज़ ए बिग गार्डन। ग्रैंडपा के पास एक बहुत बड़ा गार्डन है। ए डक लिव्स देयर। हेलो डक आई सी। एक डक वहाँ पे रहता है। मैंने कहा डक से हेलो डक। क्वैक क्वैक सीज डक। डक ने कहा क्वैक क्वैक बिकॉज डक साउंड इज क्वैक क्वैक। डक की आवाज़ कैसी होती है? क्वैक क्वैक। ग्रैंडपा ऑल्सो हैज़ ए कैट। ग्रैंडपा के पास एक बिल्ली है। हिज नेम इज़ बिल्बो। उसका नाम बिल्बो है। ही इज़ माई फ्रेंड। वो मेरी फ्रेंड है। हेलो बिल्बो। हेलो बिल्बो, मैंने कहा। म्याओ म्याओ सीज बिल्बो। बिल्बो ने कहा म्याओ म्याओ। We go for a walk in the garden. हम बगीचे में टहलने के लिए गए। Grandpa walks with a stick. Grandpa एक छड़ी के सहारे, stick means छड़ी के सहारे चलते हैं। I hold his hand. मैंने उनका हाथ पकड़ा। Bilbo chased duck around the garden. Bilbo duck का पीछा कर रही थी। We sit on the grass. हम घास पर बैठ गए। We sing song. हमने गाना गाया। बिल्बो एंड आई लव ग्रैंडपा सॉन्ग। बिल्बो और मैं ग्रैंडपा दादाजी का सॉन्ग सुनने के लिए रेडी थे, सुन रहे थे और हमें वो बहुत ही पसंद था। ओ नो इट इज़ टाइम टू गो होम। ओ नो ये घर जाने का समय हो गया है। आई वॉन्ट टू बी विथ ग्रैंडपा बिल्बो एंड डग। मैं और टाइम बिताना चाहती थी अपने दादाजी के साथ, बिल्बो के साथ और डक के साथ। वी विल कम अगेन ऑन सैटरडे सीज मदर। बट मदर ने कहा हम अगेन दोबारा वापस आएंगे सैटरडे को। ओ यस माँ, प्लीज़ थैंक यू ग्रैंडपा। ओ माँ हम ज़रूर आएंगे। थैंक यू दादाजी। बाय बाय पूनम, दादाजी ने कहा। बाय बाय पूनम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।